हाँ यार, थोड़ा बिजी था बस। तुम्हें कुछ पता चला? क्या? वो तुम्हारी दोस्त है ना यान, उसकी मदर की डेथ हो गई है। मेरी क्लास है। मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल घड़ी है, मगर माफ करना, मैं सिर्फ दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे गम में शरीक होकर तुम्हारी दिलजोई तो करता, मगर अब मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया, दोस्ती का वो खूबसूरत ताल्लुक जो कभी हम दोनों के लिए बहुत मायने रखता था, अब खत्म हो चुका। मैं तुम्हारे दुख में शरीक तो हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरा दिल तो आज भी सलवा के लिए बेकरार है। पता नहीं वो इन हालात का कैसे सामना कर रही होगी। सच्चाई तो उसके सामने भी आ गई है। जी मैम, बस यही वजह थी जिसकी वजह से वहां को गिरफ्तार किया गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाज को क्या मिला इनके बाबा को मार। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि वहाज ने किया। सारे सबूत वहाज के खिलाफ है, यहाँ तक के फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। जिस गन से गोली चलाई गई थी वो गन वहाज की थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर वहाज ने वाकई ऐसा किया तो वो किसी भी हाल में कानून की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। मैं अपने बाबा के कातिल को माफ नहीं करूंगी। वहाज सिर्फ इनके बाबा का कातिल ही नहीं है, वो मेरी बच्ची की खुशियों का भी कातिल है। इसकी हस्ती मुस्कुराती जिंदगी का खून किया है उसने। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैम आप इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा। अलमीर के छोटे भाई को तो उसी वक्त बेगुनाह करार दे दिया गया था जब आप दोनों की फैमिलीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, और ये सब वहाज जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मिस सलवा से तलाकनामे पर साइन करवाए। क्या ये बात अलमीर और उसकी फैमिली जानते हैं? जी हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाज ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। अमीर, चाय भी। थैंक यू। बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी बेटा। जी बोलो। मामा एक मिनट, आप प्लीज मेरी शादी वाला टॉपिक दोबारा मत छेड़िएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मैंने शादी नहीं करनी। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम अभी शादी कर लो? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम कोई लड़की पसंद कर लो अपने लिए। बल्कि तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर लेती हूँ, बस तुम हाँ कह दो। आपने कहीं ऑलरेडी कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी मेरे लिए? इस बार मेरी पसंद की लड़की इस घर में आएगी। मामा मैं आपको समझा चुका हूँ, और कैसे समझाऊं? मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों जबरदस्ती किसी को मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं? मैंने शादी करनी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है बेटा? कौन सा मैं अभी रिश्ता लेकर जा रही हूँ? लेकिन हाँ, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो मेरी, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ। कौन? अब वो मैं वक्त आने पे बता दूंगी तुम्हें। मम्मा मेरी बात, आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं रोगी, बिल्कुल भी नहीं। तुमने बहुत सह लिया सलवा, बेहरा
मैं जिंदा कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तो मर जाना चाहिए ना, तो मैं जिंदा क्यों हूं अपना? बहुत कमजोर हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा हमरा। तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका हो। तुम बहुत बहादुर हो सलमा। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कोई भयानक ख्वाब। किसी भी वक्त मेरी आँख खुल जाएगी और ख्वाब खत्म हो जाएगी, है ना? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम देखना खुशियां फिर से तुम्हारे साथ होंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। वाकई मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी का सुनकर। बस अब आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो बेटा। आंटी आपने अनवीर को बताया तो नहीं ना कि जब वो यहाँ नहीं होता तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाती? तुमने मना किया था ना, उसे बिल्कुल नहीं पता, वो कहीं बाहर गया होगा इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी तो किस्मत ही खराब, पहले मेरे और अरमीन के दरमियान सलवा आ गई, अब तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता है। तुम फिकर मत करो, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। जब मैं उससे तुम्हारा जिक्र करूंगी ना, वो फौरन राजी हो जाएगा। वादा करे मुझसे, हालात चाहे जैसे भी, आप हमेशा मेरा साथ देंगी, अलमीर को राजी कर लेंगी ना मुझसे शादी करने के लिए? मैं तुम्हारी शादी अलमीर से करा के ही रहूंगी, मुझे तुम जैसी लड़की तो चाहिए अपने बेटे के लिए। तुम में वो सारी खूबियां हैं बेटा जो अलमीर को जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है। अच्छा आप जल्दी से मुस्कुरा के तो दिखा दो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो अनवीर, सलवा अब कभी तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, तुम्हारा साथ तुम्हारा नसीब सिर्फ मैं हूं, मैं। ये आंटी, अगर अलमीर सलवा को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करना चाहे तो? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? और अलमीर ने तो मुझे बताया था कि सलवा की शादी हो चुकी है, फिर कैसे हो सकता है? और तुम्हारे बात तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, ऐसे ही सोच आई थी, सोचा आपसे शेयर कर लूं। ऐसी सोचों को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो, वैसे भी मैं बहुत जल्द अनवीर से बात करने वाली हूँ। तुम ऐसा करो कि अपने भाई को बता दो ताकि उसे इस बात का इल्म हो जाए। भैया तो बाहर है आंटी, पर वो मेरी हर खुशी में खुश होते हैं, और जिसे मैं पसंद करूंगी वो उसे भी पसंद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लो मेरे हाथ के कबाब। बेटा मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुमने क्यों फोन किया उसे? इतनी जरूरी बात मैं उनसे कैसे छुपा सकती थी, जानती है कितने नाराज होते वो, और अब कितना परेशान हो रहा होगा वो। अब तो बस पहुंचने वाले होंगे। या मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने अनुशे, तुम्हें पता तो है वो कितना जज्बाती है।
अम्मी अगर वाकई वाज पर इल्जाम साबित हो गया तो सलवा का क्या होगा? यही सोच सोच के मेरा दिल हौल रहा है, दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही मेरी बच्ची का क्या होगा। कैसी नजर लगी है मेरी बच्ची को, कोई सुख नहीं देखा उसने, जैसे तैसे करके घर बसा तो ये सब हो गया। सलवा अब उस कातिल के साथ नहीं रह सकती, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा अम्मी, मेरे बाबा जान का कातिल है वो। शेदिल बेटे, ये जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है, हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा, मेरी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगी है बेटे। बाबा जान का कातिल हमारी निगाहों के सामने घूमता रहा, मेरी बहन के जज्बात से खेलता रहा, कितने आराम से उसने हमें बेवकूफ बनाया और हमें पता ही नहीं चला। प्लीज बैठे दूसरे, इस वक्त हम सबको हौसले और हिम्मत के साथ काम लेना है, सलवा को भी देखना है, बहुत कमजोर है इस वक्त। बहन है वो मेरी, शेर दिल की बहन, उसके साथ मैं बुरा होते कैसे देख सकता हूँ। अच्छा जो भी फैसला करना है प्लीज ध्यान से और आराम से, अभी बैठे तो सही, कम से कम मेरी तबीयत का ही ख्याल कर लें। पानी लेकर आती हूँ।